है। अब देखो आप लोगों को ना ये पता होना चाहिए कि आपकी आपका जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें टोटल आपके कितने प्रोसेस होते हैं, उसमें टोटल आपके कितने प्रोसेस होते हैं। हाँ चलो भाई, ये देखो आपकी किस्में होती है, जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है आपका किसमें, फैलोपियन ट्यूब में। किसमें होता है आपका, फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है आपका क्या, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, आपके जो फीमेल, मान लिया ये क्या है आपका, फीमेल फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है। ठीक है, मान लिया ये आपका फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है आपका, क्या होती है, कितनी ओवरीज होती हैं आपकी, टू ओवरीज होती हैं, टू ओवरीज होती हैं। ठीक है, वन ओवरी एंड टू ओवरीज, यानी यहाँ पर आपका क्या बनता है, यहाँ पे आपके ओवम यानी आपके अंडे यहीं पर बनते हैं, ओवम यहाँ पर। ठीक है जी, देन इसके बाद में जो ये वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूट्रस बोलते हैं। यहीं पर आपकी क्या होती है, प्लेसेंटा भी होती है, वो कब होती है, प्रेगनेंसी के टाइम में होती है, यूट्रस बोलते हैं। और यहीं पर जो ये ट्यूब है, इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये इतनी बड़ी नहीं होती, थोड़ी छोटी होती है, फैलोपियन ट्यूब। यानी जो एग आपका रेडी है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, जो एग आपका रेडी है फर्टिलाइजेशन के लिए, वो यहां से बाहर निकलेगा और यहां पर वेट करेगा किसका, स्पर्म सेल का, खुद को रिप्रोड्यूस करने के लिए, खुद को रिप्रोड्यूस करने के लिए। चलो, जो आपका ये एग बनने का फॉर्मेशन है मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। फर्टिलाइजेशन में ये क्या होता है, आफ्टर ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, आफ्टर ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल कौन सा आपका, ठीक है, ये मान लिया अगर आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल है तो जीरो से लेके 14 डेज तक, जीरो से लेके 14 डेज तक इन ओवरीज में आपके एग बनते हैं, इन ओवरीज में आपके एग बनते हैं। और 15, 16, 17 यानी 14, 15, 16 डेज पर ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब्स में आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं फैलोपियन ट्यूब्स में और वेट करते हैं स्पर्म सेल का। अगर इनसे कोई स्पर्म सेल मिक्स हो जाती है, यानी कि ओवा प्लस स्पर्म सेल अगर मिक्स हो जाते हैं आपके, तो बना लेते हैं क्या, जायगोट यानी युग्मक। क्या बना लेते हैं, युग्मक बना लेते हैं। अदरवाइज अगर ये आपका कोई इससे स्पर्म सेल नहीं मिक्स होता है, नहीं रिएक्ट करता है, तो ये क्या होता है, थ्रो यहां पर क्या होता है, बहुत सारा ब्लड इकट्ठा होता रहता है और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी ऑर्गन से आपका क्या होता है, आफ्टर ऑफ 20 डेज, आफ्टर ऑफ 28 डेज ये आपका एक्सक्रीट हो जाता है, ये आपका एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये सारा का सारा मैंने आप लोगों को बता दिया, यानी इसका आंसर होगा आपका डिंबवाहिनी नलिका, हिंदी में बोलते हैं डिंबवाहिनी नलिका।